अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्ट्रीट व्यू, मैं हूँ आशिया खान। अभी मैं त्रिकुटा नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सिख ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जो त्रिकुटा नगर गुरुद्वारा है, ये रैली वहाँ से निकली है। ये भाजपा ऑफिस मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कुछ दिन पहले जो 5 languages हैं उनको शामिल किया गया था इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया था। जो 5 languages थी, पंजाबी और गोजरी और पहाड़ी को छोड़ दिया गया था। यहाँ पर जो 5 languages हैं उनको शामिल, उनमें पंजाबी को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये आज त्रिकुटा नगर ऑफिस पहुँच रहे हैं, यहाँ पर मेमोरेंडम पेश करने वाले हैं। ये आप साफ तौर से तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में जो सिख भाई हैं हमारे, वो यहाँ पर बाहर आए हैं आज, और वो किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये त्रिकुटा नगर जो भाजपा का ऑफिस है, वहाँ पर ये मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं, जिसमें इनकी ये डिमांड होगी कि जो पंजाबी भाषा है उसको भी शामिल किया जाए। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हाउस है, और यहाँ पर नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों में यहाँ पर PMO मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका यहाँ पर घर है, और यहाँ पर एक साइड BJP ऑफिस है। यहाँ पर जो हमारे सिख भाई हैं, आज उन्होंने रैली निकाली है। ये रैली जो त्रिकुटा नगर ऑफिस से स्टार्ट की गई है गुरुद्वारे से, तो ये यहाँ पर त्रिकुटा नगर भाजपा के ऑफिस में मेमोरेंडम पेश करने आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे सिख भाई हैं, काफ़ी रोष है उनमें, जो उनकी भाषा डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार लेके रहेंगे पंजाबी भाषा। ए बाइट तुसी अगे लाओ, BJP दफ्तर देखो यारे, भैया BJP दफ्तर ठीक है कह रहे, थोड़ा अगे लो, थोड़ा अगे ले लो, मन करो अगे आसी अगे तक जाना, अज का साडा जिहड़ा ए प्रोटेस्ट है, अज का साडा ए प्रोटेस्ट सुप्रीम सिख ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर अते समुचियां पंथक जथेबंदियां अते समाज दे दूसरे कम्युनिटी दे NGOs अते सारे ही पंजाबी बोलते लोग, जड़े 10 lakh तो वध जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग ने, उन्हां सारयां दी तरफों अज दा एक केंद्र सरकार दे उस फैसले दे खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, जिस विच केंद्र दी सरकार ने जम्मू कश्मीर दे विच 5 bhashavan नूं मान्यता दित्ती है, अते 6वीं पंजाबी भाषा जड़ी के 10 lakh तो वध लोगों के जम्मू कश्मीर दे विच बोली जाती है, उसनू सरकारी भाषा दे विच शामिल नहीं किया। ये उस केंद्र सरकार दे जातियां ते फैसलियां दे खिलाफ अज दा रोस प्रदर्शन है। असी केंद्र दी सरकार नू ये चेतावनी देना चाहते हाँ, दसना चाहते हाँ कि केंद्र दी सरकार 10 lakh तो वध जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा बोलते लोगों के नाल धक्का करना बंद करे,
जिथे पांच पाशावां नूं सरकारी तौर पर शामिल किया गया मानता दी गई है उत्थे पंजाबी भाषा नूं ही शामिल किया जाए। यह केवल पंजाबी भाषा साढ़े जम्मू कश्मीर विच ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष दे विच ते विदेशां दे विच भी बोली जाती है। अमेरिका ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਨਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਫਿਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਪੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਸਾਫ ਤੌਰ ਸੇ ਤਸਵੀਰੋਂ ਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ 5 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा ऑफिस है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर यहाँ पर ये मेमोरेंडम पेश करने आए हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे सिख भाई हैं वो काफ़ी रोश में दिख रहे हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कितनी यहाँ पर जो लोगों ने बैनर पकड़े हैं वहाँ पर बहुत ही रोष प्रकट कर रहे हैं ये यहाँ पर। अगर आप साफ तौर से तस्वीरों में देखें, हम आपको दिखाना चाहेंगे। तकरीबन 10 लाख तो ऊपर जो मेरे पास आंकड़ा है 25 लाख के आसपास पूरे जम्मू कश्मीर से। आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भाजपा का ऑफिस है यहाँ पर त्रिकुटा नगर में और वहाँ पर सामने पीएमओ मंत्री का घर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है क्योंकि जो सिख भाई हैं वो थोड़ा रोष में है क्योंकि उनका ये हक है और उन कहीं ना कहीं वो अपने हक को महरूम समझ रहे हैं कि उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को भी आज कटघरे में लाकर खड़ा किया है और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 17 तारीख को कैबिनेट का फैसला आने वाला है, ये चाहते हैं कि जो पंजाबी माँ बोली है उसको उसमें शामिल किया जाए, तो ये अपनी आवाज़ को आज आगे तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं जो सिख भाई हैं। तो इनकी यही मांग है, जो इनकी पंजाबी बोली है, पंजाबी विरसा है, उसको शामिल किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो इनकी ये मांग ये गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।